प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। कोई महिला जब प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो शारीरिक और मानसिक दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है और काफ़ी बदलाव भी आने लगते हैं। तो उस समय आपके काफ़ी सारे सिम्टम दिखते हैं जो एक संकेत बताता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। आप बगैर अल्ट्रासाउंड के काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आप बेबी बॉय की माँ बनने वाली है या बेबी गर्ल की माँ बनने वाली है। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे यानी कि गर्भवती स्त्री के शरीर के तीन ऐसे बदलाव के बारे में जो आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होने का संकेत दर्शाता है कि अगर आपके घर में पल रहा शिशु एक लड़का है तो यह तीन बदलाव जरूर ही दिखने को मिलते हैं और ज़्यादातर महिलाओं में कॉमन है, बेबी बॉय के टाइम दिखने को मिलते हैं। क्योंकि कोई भी महिला जब प्रेगनेंसी को कंसीव करती है तो उस समय ज़्यादा उनके माइंड में यही क्वेश्चन चलता है कि क्या होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। भले ही आप लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करते हैं बट एक जानने की उत्सुकता जरूर रहती है। ऐसा बोला जाता है हमारे ओल्ड वाइफ के अनुसार कुछ जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसे घर के आसपास की महिलाएं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं घर के, वो बताते हैं कि ये लक्षण से लड़का होने का संकेत है या कोई और लक्षण है जो लड़की होने का संकेत है। तो अगर आपको स्तनों में यह बदलाव दिख रहा है, जैसे कि आपका ब्रेस्ट में स्तनों में जैसे कि स्तन आपका काफ़ी हैवी हो गया है, हालांकि प्रेगनेंसी में स्तनों का हैवी होना नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे मिल्क डेवलप होता है आपके स्तनों में वैसे स्तन हैवी होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि जिन महिलाओं का स्तनों काफ़ी हैवी होता है, बड़ा होता है, तो यह एक बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक यानी कि लड़की है। वही आपका स्तन नॉर्मल होता है तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। दूसरी तरफ ये भी सिम्टम देखने को मिलते हैं कि अगर गर्भवती स्त्री का हिप, जिसे हम कमर बोलते हैं, तो अगर कमर प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हैवी हो गया है, मोटा हो गया है, चौड़ा हो गया है, आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी से पहले आपका कमर इतना हैवी नहीं था, इतना मोटा नहीं था, चौड़ा नहीं था, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं तो काफ़ी हैवी मोटा चौड़ा हो गया है, तो यह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। वही आपका यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान हिप में, कमर में कोई बदलाव नहीं आया है, नॉर्मल सी है, तो यह एक बहुत ही सटीक और ठोस लक्षण माना जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये भी बदलाव दिखने को मिलते हैं कि अगर आपका जो पेट है काफ़ी बड़ा निकला हुआ है, जैसे कि मंथ के अकॉर्डिंग आपका पेट थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, तो यह एक बहुत ही सटीक सिम्टम्स माना जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। क्योंकि ऐसा हमारे ओल्ड वाइफ का मानना है कि बेबी बॉय के टाइम पेट काफ़ी बड़ा निकलता है बेबी गर्ल के अकॉर्डिंग, और बेबी गर्ल के टाइम पेट छोटा होता है। तो कितने महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान पेट बड़ा दिख रहा है और कितने महिलाओं का पेट छोटा दिख रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहता है वो भी आप बताइएगा। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए और कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।